रमजान के महीने में मुसलमानों के लिए पवित्र अलक्सा मस्जिद में इजरायली पुलिस के हमले की सऊदी अरब ने कड़ी निंदा की है। सऊदी अरब का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन है। वहीं मिस्र और जॉर्डन ने भी नमाजियों पर इजरायली पुलिस के हमले को लेकर प्रतिक्रिया दी है। रमजान में मुसलमानों के लिए पवित्र यरूशलेम की अलक्सा मस्जिद में इजरायली पुलिस ने नमाजियों पर हमला किया है, तो अब इसे लेकर सऊदी अरब ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है, बयान में कहा कि इस तरह की घटनाएं शांति के प्रयासों को कमजोर करती है। तो ये मंत्रालय में कहा गया कि यह अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों और मानदंडों का उल्लंघन है। कहा गया कि सऊदी अरब अलक्सा मस्जिद के परिसर में हमले और उस पर धावा बोलकर कब्जा करने की कृत्यों की कड़ी निंदा करती है। बयान में कहा गया कि ये घटनाएं शांति प्रयासों को कमजोर करती है जो फिलिस्तीन मुद्दे के समाधान के लिए किए जा रहे हैं। इस तरह के हमले धार्मिक पवित्रता के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों और मानदंडों का उल्लंघन करते हैं। तो वही इस्लामिक देश तुर्की ने भी इसकी कड़ी निंदा की है।